अभिभावकों के हित में लगातार संघर्ष कर रही प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस टीम पापा के द्वारा अभिभावकों की मदद के लिए निरंतर प्रयास भी किए हैं, लेकिन उसी कड़ी में टीम पापा ने एक वेबसाइट का लॉन्च किया है, जिस पर वेबसाइट पर सभी जितने भी अभिभावक हैं अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। महेश्वरी, एक्स प्रिंसिपल, आगरा कॉलेज, आगरा। सर, जिस तरीके से पापा जो संस्था है वो लगातार छात्रों के लिए काम कर रही है, आज उन्होंने टीचर को एक ऐप लॉन्च किया, क्या कुछ रहेगा इसे? देखिए, मुझे याद नहीं आता पिछले 30-40 वर्षों में कभी किसी संस्था ने इतना समवेत और एकीकृत प्रयास किया हो कि जो छात्रों की, बच्चों की, अभिभावकों की, पेरेंट्स की समस्याओं को जो प्राइवेट स्कूल्स, कॉन्वेंट्स जो हैं वो परेशान करते हैं, उनको किसी मंच से उठाने के लिए, कोई प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रयास किया हो, मुझे ऐसा याद नहीं आता। दीपक सरीन जी और उनकी टीम ने ये बीड़ा उठाया है और पिछले 2 वर्षों से वो एक पुनीत कार्य कर रहे हैं। आज बहुत ही पावन दिन है कि पापा संस्था के द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च की जा रही है, जिसके लिए मैं पापा टीम और उनके पूरे सदस्य, पूरे परिवार को ढेरों बधाई देना चाहती हूँ। एक समाज से भी हूँ, पिछले 10 सालों से बच्चों को शिक्षा का कार्य कर रही हूँ, तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते थे, बच्चों को बहुत सारी दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई पिछले 2 सालों से लगातार पापा टीम, उसके जो राष्ट्रीय संयोजक हैं भाई दीपक सरीन जी, जिस तरह से बच्चों की और उनके अभिभावक जिस परेशान होते हैं कभी फीस को लेकर या अन्य कोई दिक्कत को लेकर, तो बहुत अच्छे तरीके से उनकी टीम वहाँ सुलझाती उस समस्या को। तो पेरेंट्स को जो अभिभावक बहुत परेशान हुआ करते थे, एक स्कूल और अभिभावकों के बीच एक सेतु का काम जो कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से, और अभी जैसे रेणुका जी ने बोला, हमारे आदरणीय महेश्वरी जी ने बोला है कि बहुत शांतिपूर्ण माहौल में इस कार्य को किया जाता है। बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा आज हम सब एकत्रित हुए हैं पापा की उसकी वेबसाइट लॉन्च पे, और उसका अपने आप में ही बताता है कि अब सब आप एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, उसके ऊपर आपकी जो जो समस्याएं डाल सकते हैं। पहले क्या होता था, बंद कमरे में आवाज़ रह जाती थी और शायद एक दूसरे को फ़ोन किया, बात वहीं ख़त्म हो जाती थी। अब ये ऑनलाइन जो ज़माना है, ये ऑनलाइन पोर्टल पे अब हर कंप्लेन डलेगी, और जैसे कि पहले भी आपने देखा होगा पीछे दिनों में जो बच्चों को टिफ़िन स्कूल में, क्लासरूम में नहीं खाने दिया जा रहा था और शायद लेट आ रहे थे तो कांटों की तारों में से बच्चे घुस रहे थे, उसके लिए टीम पापा ने बहुत अपनी आवाज़ उठाई एंड एवरीबडी नोज़ अबाउट इट, मतलब एक एक जने तक वो बात गई। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ दीपक सरीन जी को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने ये बात उठाई। कोई ये लड़ाई का नहीं है, कोई शिकायतें नहीं है, कोई ये स्कूल्स के लिए भी ऐसा नहीं है कि कोई डरने की बात है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने पेरेंट्स शिकायत दर्ज करेंगे और पापा वो आवाज़ लेके स्कूल तक जाएगा।